कल 31 तारीख है यानी कि 31 मार्च, और कल जो है आखिरी दिन दिया गया था वाइन ट्रेडर्स यानी कि जम्मू के वाइन ट्रेडर्स को, और कहा गया था कि कल से दुकानें बंद कर दी जाएंगी और उसके बाद जो ई टेंडरिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। बट अभी अगर इन ट्रेडर्स की बात की जाए तो उन्होंने कुछ देर पहले एक प्रेस वार्ता की है और उसमें अभी भी इन्हें उम्मीद है कि शायद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कदम उठा ले। एलजी साहब इनसे मिले तो नहीं है परंतु उम्मीद अभी भी जगी है, और ये वो नौजवान है जिन्हें जो है अनएम्प्लॉयड के तौर पर जो है ये लाइसेंस मिले थे और आज इनसे ये लाइसेंस छीन कर जो है इन्हें एक बार फिर अनएम्प्लॉयड किया जा रहा है। जिस तरीके से पहले ही जब लाइसेंस मिले थे तो आपको अनएम्प्लॉयड कहा गया था कि आपके पास नौकरियां नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं और आपको ये लाइसेंस दे दिया गया। अब एक बार इतने सालों बाद फिर लाइसेंस छीन कर आपको वही उसी जगह पर लाकर खड़ा किया जा रहा है, क्या मैम? हम में से सारे नौजवान पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट तो एटलीस्ट हैं ही हैं, तो जब हमसे ये दुकानें या लाइसेंस हमें दिए जाते हैं तो हमसे एक एफिडेविट पे ये साइन कराया जाता है कि हमें या हम एक गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। आज अगर देखा जाए तो हम में से ऑलमोस्ट सारे ही जो ये आप देख सकते हैं नौजवान, ये ओवर एज हो चुके हैं। तो ना इस जो एक जो काला फैसला है इसके अकॉर्डिंगली हमें सब ये बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारे पास ना तो काम बचेगा। और जम्मू का यूथ जब 370 टूटा था तो उन्होंने यही खुशी मनाई थी कि हमें एक जॉब एम्प्लॉयमेंट जॉब क्रिएशन की तरफ हमें लेकर जा रही है सरकार, ना कि ये दिन देखने के लिए कि जहाँ पे आपका चलता हुआ काम रातों रात कोई बंद कर देता है और बाहर के माफिया सिस्टम को, जैसे कि पंजाब है आपका, यूपी है, वहाँ के बिडर्स को इनवाइट किया जाता है कि आप आइए और जम्मू के लोगों का हक छीन लीजिए। अब आप देख रहे हैं जैसे माइनिंग माफिया है, आप उनको भी कवर कर रहे हैं, ये लिकर माफिया हमारे साथ एक माफिया शब्द करके, जहाँ पे सबकी एक एक दुकानें हैं या एक एक या दो दो दुकानें हैं, उनके साथ एक माफिया शब्द करना, जबकि पूरी टाइम एक्साइज कंट्रोल्ड पॉलिसीज़ हम आज तक फॉलो करते आए हैं, लेकिन हमें गवर्नर साहब की नज़र में शायद एक मुजरिम करार करके या उनको कैसी एक उनके एडवाइज़र्स एक एडवाइस कर रहे हैं कि हमें माफिया बनाकर वो यूपी बिहार के जो लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं, उन्हें लाया जा रहा है। यहाँ पे अहाते खोलने की बातें की जा रही हैं, जम्मू ने आज तक कभी नहीं देखा है। जम्मू का माहौल एक अलग है, जम्मू एक मंदिरों का शहर है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे अहाता सिस्टम का क्या काम है? आप यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करते हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हमारे में से कई लाइसेंसी हैं जो वुमेन हैं, जो विडोज़ हैं, कुछ बेड रिडन हैं, कुछ एक्स आर्मी मैन हैं, उन सब का क्या? उन सब की नौकरियाँ जब हमें ये लाइसेंस दिए गए थे तब हमसे यही वादा किया गया था कि आपके रोजी रोटी का साधन है, आपको दिया जा रहा है कि आप अपना घर चलाइए। आज हम सब लोगों की अपनी अपनी फैमिलीज़ हैं, अगर आज रातों रातें हमसे चीज़ें ले लेते हैं तो हम गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही गुहार लगाना चाहते हैं कि क्या आप हमें रिहैबिलिटेट करने के लिए तैयार हैं? अगर हैं, 31 को आप दुकानें बंद कर रहे हैं ये फैसला आपने सुना दिया है, लेकिन 31 के बाद हम कहाँ जाएंगे अगले दिन से, 1 अप्रैल से, या वो भी अप्रैल फूल ही है समझा जाए अगर, तो एलजी साहब से मेरी यही गुहार है। और बाकी तो अब हम उनकी मर्सी पे हैं, ये अब हम मुजरे में एक तरह के करार दे दिए गए और उनकी मर्सी पे हैं। बीजेपी सरकार से अभी भी ना जाने क्यों एक थोड़ी सी डॉक्टर साहब से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से एक उम्मीद है कि वो इंटरवीन करें हम यंगस्टर्स के बारे में, उनके बारे में सोचिए। एक अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा आज बन चुका है हिंदुस्तान में, जम्मू शायद इससे कहीं ना कहीं अनछुआ था क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोगों के अपने छोटे छोटे ही सही लेकिन बिजनेसेस हैं, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जम्मू में भी ये एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक फेज़ लाना चाहते हैं जो कि आज तक की 70 साल की सरकार में ये आज तक कभी नहीं हुआ है। और 370 के बाद मैं ये सोचता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा जम्मू के यूथ के लिए। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि कल जिस तरीके से दुकानें बंद करने का आदेश तो दे दिया हुआ है, पहले ही ये ऑर्डर निकल गया कि 31 से दुकानें बंद हो जाएंगी, क्या दुकानें कल आप लोग बंद करेंगे? मैम, जिस हिसाब से आपने अभी देखा भी होगा 2021 में जो अभी जो पॉलिसी आई है, ड्राफ्ट पॉलिसी, सबसे पहले की बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जैसे हमारे वैलिड लाइसेंस 31 मार्च तक है, अभी हाईकोर्ट में भी मसला चल रहा है, तो अभी लेट्स सी कल क्या होता है। पर सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने कितने इंटरव्यूज़ में ये दिया है कि हम कोई डेमोक्रेसी में रह रहे हैं या तानाशाही में रह रहे हैं, पाकिस्तान है या कोई अफगानिस्तान है या तालिबान है ये, या चाइना, एरिस्टोक्रेसी रूल तो है नहीं है, डेमोक्रेसी। तभी कहते हैं कि डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव की काफ़ी ज़्यादा भूमिका होती है। हमें कोई प्रॉब्लम पड़ती है जो हमने इलेक्टेड 2018 से, चलो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि 2018 में हमारे लाइसेंस जो थे 2023 तक रिन्यू किए गए। सिंपल सी बात है, आपसे आपको मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोला है, पर चलो मेरे पास जो पॉइंट्स हैं मैं वही बोलूँगा। 2023 तक रिन्यू किए गए बिफोर आर्टिकल 370, जम्मू डिवीज़न सेम थी, कश्मीर था सेम था, लद्दाख था, बट आफ्टर 370
जे एंड के यूटी अलग बनाई गई, लद्दाख यूटी अलग बनाई गई। यूटी में 2023 तक लाइसेंस रिन्यू किए गए हैं, यहाँ पे इनको बोलते हैं ई ऑक्शन करो। 2020 में सितंबर महीने में राजेश कुमार शवन जी एक्साइज कमिश्नर थे, पॉलिसी बनाते हैं कि एससी को देंगे, एसटी को देंगे, ओबीसी लाएंगे, एक्स सर्विसमैन को देंगे, विडोज देंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। और विद इन वन ईयर, मतलब अभी सितंबर हुआ भी नहीं है, आपने पॉलिसी ला दी गई है कि ई ऑक्शन करो। ई ऑक्शन में कौन बैठता है? बड़े बड़े लोग, माफिया सिस्टम। जे एंड के में टोटल गुंडाराज चल रहा है। इट्स दिस इज़ नॉट ए यूपी, इट्स लाइक ए यूपी। सिन्हा साहब से हम 2 महीने से मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमसे मिला जाए। हम कोई तालिबानी या पाकिस्तानी तो है नहीं है, हम बीजेपी की फैमिली में से, मोदी जी की फैमिली में से हैं, हमसे मिला तक नहीं जा रहा। और जिस हिसाब से हमारा सिस्टम जो चल रहा है इतनी देर से, ये लीगल ट्रेड है। लीकर में आपको सबसे बात बोल दूँ कि लीकर एक ऐसा ट्रेड है जो जे एंड के में जो 98% गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। इसमें एक एक बॉटल का हिसाब है, कोई फ्रॉड बिजनेस नहीं कर रहे हम लोग। और गवर्नमेंट का जिस हिसाब की एक मंशा है ई ऑक्शन करने की, ई ऑक्शन में कौन बैठेगा? माफिया सिस्टम। अब आप खुद भी समझदार हैं, IPL ऑक्शन होती है, FIFA एजेंसीज होती हैं, वहाँ पे कौन कौन बड़े बड़े बैठते हैं, जो बिग बिग गन्स हैं, बिग फिशेज हैं। हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते। और मुझे लगता है कि जो बाकी स्टेट्स हैं, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, सिर्फ मध्य प्रदेश को छोड़ के गोवा भी हो गया, पुडुचेरी हो गया, इन्होंने हमारा लाइसेंस सिस्टम अडॉप्ट किया है। और जे एंड के में लाइसेंस सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया है, और हमारे जे एंड के वाले सिस्टम की गवर्नमेंट कहती है कि ई ऑक्शन करो। ये टोटली बेसलेस, टोटल फ्रॉड। पीछे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कोई सुनवाई, कोई पता नहीं चल रहा, और टोटल बेसलेस है। टोटल बेसलेस। और गुंडा राज जो है जम्मू में आ रहा है, जिस तरीके से हम पहले भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जम्मू में जो है ट्रेड को खत्म कर सिर्फ माफिया राज शुरू किया जा रहा है। ये मेरा सवाल यही है, क्या जम्मू को जानबूझकर सताया जा रहा है, जम्मू को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर गुंडा राज और माफिया राज शुरू कर दिया जाए? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली से डॉक्टर साहब कविंदर रैना जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, डॉक्टर कविंदर गुप्ता जी, ये सब हमारे को सपोर्ट करें, हम इनसे मिलकर आए हैं, इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम करेंगे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ब्यूरोक्रेट्स ऐसा कौन सा फेस बना के एलजी साहब को दिखा रहे हैं हमारा, कि जिसके कारण एलजी साहब हमारी पुकार नहीं सुन रहे हैं। और मुझे ये आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये चीज़ जनता से पूछनी है कि हर चीज़, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी जॉब्स हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, सारा एक्सपेरिमेंट जम्मू वालों के साथ ही क्यों किया जाता है? आप लोग और कहीं पे भी ट्राई कर सकते हैं, आप वहाँ पे नहीं करते हैं, लेकिन आप जम्मू के अंदर हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं। और मुझे तो लगता है कि 370 जब था तो ना इतने नौजवान सड़कों पे उतर के नारेबाजी कर रहे थे, और ना आज हमारी रोजी रोटी जा रही थी। ये तो हमको कई बार सोच के ये डर लगता है कि यार, कि वाकई में कोई हमें कहते थे कि यार 370 अगर हटाओगे तो तुम्हारे ये बुरे दिन होंगे, और आज हमें बुरे दिन दिख रहे हैं। इसमें नो डाउट कि दिल्ली से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जम्मू में ऐसा कौन सा है, ऐसे कौन से लोग हैं, कौन सा ऐसा माफिया सिस्टम चल रहा है जो इन ब्यूरोक्रेट्स को हमारे से मिलने नहीं दे रहा, हमारी पुकार नहीं सुनने दे रहा है। और 2 महीने से हम एलजी साहब से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप हमें मिलिए, हमारी बात जानिए, हमारी जो परेशानी चल रही है, हमारी रोजी रोटी जा रही है, आप इस बारे में हमारे से बात कीजिए, उसका कोई सलूशन निकालिए। लेकिन नहीं जी, वो हमारी बात सुन ही नहीं रहे। बस ये पहले उड़ता पंजाब था, अब उड़ता जम्मू बन रहा है, हाथा सिस्टम यहाँ पे शुरू होने की तैयारी कर देंगे। और हम लोग जो नौजवान हैं, जिन्होंने अपने हाथ काट के दे दिए थे, एफिडेविट दे दिए हुए थे कि भाई हम कोई और गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, कोई और गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं रन कर सकते, हमें यही लाइसेंस दिया गया था, और आज हमारी रोजी रोटी हमसे छीनी जा रही है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपको डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो या इसके अलावा जितने भी बीजेपी के लोग हैं, वो आपका समर्थन कर रहे हैं, पर बड़ा सवाल ये है कि जो एलजी साहब हैं वो भी तो बीजेपी के हैं, बीजेपी ने ही उन्हें यहाँ पर भेजा है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो क्यों नहीं उनकी बात सुनी जा रही है? देखिए, ऐसा है, बीच में जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, इस शो का जो रोल चल रहा है वो ब्यूरोक्रेट्स चल रहे हैं। तानाशाही, हिटलरशाही जो चल रही है वो ब्यूरोक्रेट्स की चल रही है। हमें नहीं पता कि वो उनके मन में क्या है इस वक्त, कि वो क्या सोच कर आए हुए हैं या वो क्या चीज़ करना चाहते हैं। मुझे तो जिस तरीके से हमारे साथ इस वक्त हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है ब्यूरोक्रेट्स चाहते हैं कि हम जम्मू को पूरा ख़त्म कर दें। और मैं आज आपके चैनल के थ्रू से ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आज अगर हमारा ट्रेड जा रहा है ना, तो आप ये मत समझिए कि हमारा ट्रेड, ये बाकियों का भी ट्रेड जाने वाला है। एक बारी अगर बाहर का माफिया या बाहर का लोग अगर यहाँ जम्मू में एंटर हो गए, वो किसी ट्रेड को नहीं छोड़ेंगे, और हम सब लोग ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे, हम सब लोग ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। और साथ ही साथ एक
और डेफिनेशन कह सकते हैं जम्मू के लिए दिख रही है वो है उड़ता जम्मू। जिस तरीके से इनका कहना है कि अब सिर्फ पंजाब ही नहीं उड़ता पंजाब था, अब उड़ता जम्मू भी बनने वाला है। जिस तरीके से लोगों के अंदर भी एक डर है कि जैसे ये अहाता सिस्टम शुरू होगा तो यहाँ पर क्राइम बढ़ जाएगा, लोगों को जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो बढ़ेगा बढ़ेगा, पर क्राइम जो है बढ़ेगा, हमारी बहू बेटियाँ जो घरों से बाहर निकलती हैं किसी भी वक्त वो निकलना मुश्किल हो जाएंगी, और भी बहुत तरीके की जो समस्याएँ हैं जम्मू वासियों को आएंगी। क्या मैम, जिस तरह से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिसीज इन्होंने अडॉप्ट की हुई हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो इन्होंने जीएसटी फर्स्ट पॉइंट पे लगाया है। इस टाइम पे क्या हो रहा है, आप हमारे कठुआ के ज़िला में चले जाइए, वहां से पंजाब के व्यापारी आते हैं सामान लेके और कठुआ में बेच के वापस चले जाते हैं पंजाब में। यानी कि जो रेवेन्यू था, जो हमारी स्टेट के लोगों को, यहाँ के दुकानदारों को, बिजनेसमैन को यहाँ के मिलना चाहिए था, वो यहाँ की बजाय वो पैसा लेके ऑलरेडी पंजाब में जा रहे हैं। और ये सारे इफेक्ट हैं 370 के। बहुत अच्छा होता कि सरकार जो है और एक पॉजिटिव चीज़ को लेकर चलती, जहाँ पर दूसरे राज्य जो हैं जो ऑक्शन सिस्टम उसको ख़त्म करके उन्होंने रेगुलर लाइसेंस का सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया। 370 की बात की, 370 हटा था तो आप लोगों ने भी उसका समर्थन किया था जब कोविड का टाइम आया, तो उसके बाद भी सबसे पहले दुकानें आप लोगों ने खोली ताकि रेवेन्यू जनरेट हो सके। मैम, 370 जब हटा था उसके बाद जम्मू के लोग जो बहुत खुश थे कि उनको लगा था कि यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, लेकिन आज उसके रिजल्ट जो हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर आप लोगों की गर्दनें नहीं काट सकते हैं। ये लोग गवर्नमेंट जिस टाइम पर जो चल रही है, जो गवर्नर साहब इस टाइम जो कर रहे हैं, ये लोग हमारे हत्या कर रहे हैं, हमारे परिवारों की हत्या कर रहे हैं, हमारे साथ जो 40,000 एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हत्या कर रहे हैं। और इनके लिए कोई भी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है, सिर्फ एक ड्राफ्ट पॉलिसी अपनी वेबसाइट पे डिपार्टमेंट डाल देता है रात को 12 बजे, ताकि दूसरे दिन आप सुबह 4 बजे तक उसके ऊपर अपनी सुजेशन दे दीजिए। जो लोग मैं 20-20 सालों से 30-30 सालों से जो ट्रेड एक चला रहे थे और बड़े ही ट्रांसपेरेंट वे में ये ट्रेड चल रहा था, पूरी एक्साइज की मॉनिटरिंग होती थी, जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके फैक्ट्री से लेके होलसेल ट्रेड से लेके एंड पॉइंट की सेल तक जो है वो पूरा का पूरा मॉनिटर जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता था। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके अलावा आप कौन सी ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हो? ऑक्शन जो सिस्टम आप अडॉप्ट करना चाहते हो उसमें तो माफिया ही आएगा, उसमें तो ये लाइसेंस जो है वो माफिया लेंगे। और आप किन लोगों से ये व्यापार छीन रहे हो? उन लोगों से जो जम्मू के डोगरे हैं। इन लोगों ने क्या पाप किया हुआ है कि आप इनका व्यापार छीन के बाहर के लोगों को देने जा रहे हो? आपको जो ऑक्शन का सिस्टम कर रहे हो, यहाँ के लोकल लोगों को ड्राफ्ट लॉट के थ्रू तो नहीं दे रहे। आपने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है वो पॉलिसी ऑक्शन की है, और ऑक्शन आपने ओपन कर दिया कि सबके लिए कोई भी उसमें बिड कर सकता था। तो ये जो सारा नुकसान जो है वो जम्मू के डोगरा लोगों का होने जा रहा है। मैं गर्व करता हूँ कि महाराजा हरि सिंह जी ने हमारी स्टेट को गुलाम नहीं होने दिया। मैं हमारी स्टेट को, पूरा हिंदुस्तान गुलाम हुआ, लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर का भी गुलाम नहीं हुआ। बाहर के लोगों को उन्होंने तब से रोका था, लेकिन 370 के इतने बड़े बुरे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे ये मुझे नहीं लगता कि जम्मू के लोगों ने सोचा भी होगा। जैसे कि आपके टोल प्लाजाज वो पंजाब के लोग ले गए हैं, माइनिंग्स पंजाब के लोग ले गए हैं, लीकर के ऊपर इतनी बुरी तरीके से उनकी नज़र है, बाहर के आके यहाँ पर वो रोज़ विजिट कर रहे हैं, यहाँ के होटलों में रह रहे हैं और मोनिटर कर रहे हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स जो हैं वो हमें ऑक्शन में उठाने हैं। ऑलरेडी वो मुझे लगता है कोई ब्यूरोक्रेट्स ही हैं हमारे जम्मू कश्मीर के जो उनको ये सब कुछ गाइड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए था। जम्मू के जो लोकल डोगरा जो है, जिनका जो ये व्यापार जो कर रहे हैं, जिनको आपने अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ की कैटेगरी में बाकायदा न्यूज़पेपर पे एडवर्टीजमेंट करके ये व्यापार दिया था, उसको आपको इस तरह से नहीं छीनना चाहिए। मेरा बार बार गवर्नर साहब से एक यही निवेदन है कि जो ट्रेड हम लोग स्टेबल वे में चला रहे थे, हमें वैसे ही इसको चलाने दिए जाए और जम्मू को जो है वो उड़ता जम्मू बनने से रोका जाए। जम्मू को उड़ता जम्मू बनने से रोकना चाहिए, यही गुहार जो है ये वाइन ट्रेडर्स अभी भी एलजी साहब से लगा रहे हैं। साथ ही साथ इनका कहना है कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी जो है वो ऐसा कदम उठा रही है जिस वजह से जो जम्मू का डोगरा है उसे नुकसान पहुंच रहा है। आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा। बने रहें डीआर न्यूज़ के साथ।